हाय, हम प्रोग्राम कोड BAPAH का कोर्स कोड BPSC 105 का यूनिट नंबर 6 ये पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग ये दोनों कवर अप कर चुके हैं पिछले दो वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के किस कौन से टाइप है। चलिए शुरू करते हैं। इन इंडिया ईच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इज यूनिक एज इट कन्फाइन इट्सेल्फ टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटी ऑफ एन एरिया और फील्ड। इंडिया के अंदर जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ये एक यूनिक है, अलग टाइप की है और सब में अपना अपना कोई कोई स्पेसिफिक रोल होता है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको प्रायोरिटाइज करता है अपने वर्क के हिसाब से। अल्सो इट हैज़ इट्स ओन क्लाइंटली और टारगेट ग्रुप दैट हैज़ टू बी ट्रेन एंड दिस डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होती है इंडिया के अंदर, उनका एक स्पेसिफिक टारगेट है, टारगेट ऑफ ग्रुप, कि इनको ये जैसे मान लीजिए कोई ये रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है तो उस रेलवे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में मेनली किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी, रेलवे की दी जाएगी। रेलवे के एम्प्लॉयज है तो रेलवे से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग देनी है वो दिया जाएगा। तो यही बोल रहा है कि एक टारगेट ग्रुप होगा कि इनको बेसिक ट्रेनिंग देना है, ऑन जॉब ट्रेनिंग देना है, इन सर्विस ट्रेनिंग देना है, किस टाइप की ट्रेनिंग देना है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वैरी करता है। नाउ लेट अस डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होंगी, उनका अलग अलग रोल होगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। देखिए, कहीं भी आप जब कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको दिया जाता है एक बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में आपको मेनली सर्विस के रूल रेगुलेशन और रिक्वायर्ड बेसिक स्किल आपको बताई जाती है, आपको ट्रेन किया जाता है। तो हमेशा कोई भी ऑफ, चाहे ग्रुप सी लेवल की ट्रेनिंग हो या ग्रुप डी या ग्रुप बी या ग्रुप ए, किसी भी लेवल का आप जॉब ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तो आपको सबसे पहले एक फाउंडेशन, एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। उसके बाद क्या होता है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक जॉब आपको असाइन किया जाता है। वो स्पेसिफिक जॉब असाइन करने के बाद आपको उस असाइन जॉब की ट्रेनिंग एक डीप में उसकी ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है, जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब बोलते हैं क्योंकि आप बेसिक कोर्स ज्वाइन कर, बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद आप जॉब पे ज्वाइन कर देते हैं, फिर जॉब ज्वाइन करने के दौरान ही आपको ये ट्रेनिंग दिलाई जाती है। जरूर नहीं है ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, कोई कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे आपको जब बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको उस स्पेसिफिक जॉब की ट्रेनिंग भी साथ साथ ही करवाई जाती है, जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन में होती है और बहुत डिटेल में आपको उसके लिए ट्रेन किया जाता है। फिर थर्ड टाइप की ट्रेनिंग होती है इन सर्विस ट्रेनिंग, मतलब जब आपका बेसिक ट्रेनिंग और आपको जो जॉब असाइन किया जाता है स्पेसिफिक, उसकी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको एक डिफरेंट लेवल के कोर्स कराए जाते हैं, जिससे कि आपको जो अप टू डेट होना पड़ता है, मॉडर्न जो भी टेक्नोलॉजी हो या मॉडर्न जो भी अपडेट होते रहता है एज़ पर योर जॉब प्रोफाइल, जो भी मॉडर्न अपडेट होते हैं टाइम के हिसाब से जो भी अपडेट होते हैं, उसको अपडेट को मेंटेन रखने के लिए, अपडेट के साथ चलने के लिए आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन की वाइल ऑन सर्विस आपकी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग चलते रहती है और आपका कंटिन्यू जॉब चलते रहता है। तो इसी यही मेनली ट्रेनिंग होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये वाली ट्रेनिंग, फाउंडेशन ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको, बेसिक ट्रेनिंग। जो भी फ्रेश रिक्रूट होता है टू द सिविल सर्विस हु आफ्टर सक्सेसफुल कॉम्पिटिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ज्वाइन द सर्विस,
नीड टू बी इम्पार्टेड सम कॉमन ट्रेनिंग। तो जैसे कोई सिविल सर्विस ज्वाइन करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो उसको एक कॉमन ट्रेनिंग दी जाती है, एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जो हर कोई सर्विस के अंदर, जो भी अलग अलग, मान लीजिए कोई रेलवे ज्वाइन करता है, कोई पोस्ट ऑफिस ज्वाइन करता है, कोई फॉरेन सर्विस ज्वाइन करता है, तो कोई भी सर्विस ज्वाइन करे, एक बेसिक गवर्नमेंट की ट्रेनिंग, गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन, ये सब चीज़ें सबके लिए जो कॉमन चीज़ें होती है वो थ्रू दिस ट्रेनिंग करवाई जाती है। फाउंडेशन ट्रेनिंग के दौरान द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड द डिसिप्लिन फ्रॉम विच द सिविल सर्वेंट कम, दे शुड बी एक्सपोज टू द बेसिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फंडामेंटल ऑफ द कंट्री, सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट आइडियोलॉजी, द ओवरऑल सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप, इंटर डिपेंडेंसीज बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिटवीन सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें, ये क्या है, सब बेसिक है जो हर कोई सिविल सर्वेंट को पता होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सर्विस ज्वाइन करे। आपको एक तो जो सोशियो इकोनॉमिक जो भी रियलिटीज़ है देश की वो आपको पता होना चाहिए, आपको एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए किस तरह से देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस तरह से है, पॉलिटिकल गतिविधि किस तरह से होती है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या होती है, गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम को इम्प्लीमेंट करता है, ओवरऑल सिस्टम जो भी इंटर रिलेशनशिप, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंटर डिपेंडेंसीज हो, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये सब किस तरह से काम करते हैं अलग अलग, और अलग अलग मिनिस्ट्री एक दूसरे के साथ, मिनिस्ट्री के अंदर किस तरह से काम होता है, ये बेसिक है। तो ये हर एक जो भी सिविल सर्वेंट है जो सर्विस ज्वाइन करता है, चाहे कोई भी हो, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। द आइडिया इज ऑल्सो दैट दे शुड डेवलप कैमराडीज एंड सिविल सर्विस कैमराडीज कैमराडरशिप, ओके, विच विल प्रूव हेल्पफुल इन देयर लेटर करियर वेन दे वर्क टुगेदर इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, तो उनको एक लीडरशिप डेवलप करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब कोई सिविल सर्वेंट ज्वाइन करता है तो एज अ वो लीडर ही ज्वाइन करता है, मतलब उसको अपने डिपार्टमेंट को चलाना होता है, अपने सेक्शन को चलाना होता है, अपने जो भी एरिया दिया जाएगा उसको, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको चलाना होता है, तो उसको एज अ लीडरशिप रोल प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी में उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए और आगे जो भी उसका करियर होगा अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें ये एक अच्छा लीडर बन के, कमांडर बन के तैयार हो, उसके लिए ही ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। दिस शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग इज कंसिडर ऑन कैंपस ट्रेनिंग वेयर इट इज ऑर्गेनाइज इन वन कैंपस अंडर द सेम एटमोसफियर इन द सेम सराउंडिंग टू गिव देम एन आइडिया ऑफ कॉमन लिविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड फंक्शनिंग टुगेदर। तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन ट्रेनिंग, इसको एक कैंपस के अंदर, एक कॉमन एटमॉस्फियर के अंदर प्रोवाइड की जाती है। कीपिंग दिस ऑब्जेक्टिव इन व्यू द फंडामेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट वॉज इन इवॉल्व इन 1859। तो ये जो फंडामेंटल ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए सिविल सर्वेंट को 1959 से
ये ट्रेनिंग देना शुरू हो गया। एट प्रेजेंट अंडर दिस प्रोग्राम द रिक्रूट फॉर आईएएस एंड अदर नॉन टेक्निकल सर्विस थ्रू कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आर सेंड टू द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी। इसके अंदर उनको एक फंडामेंटल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये एक इंस्टीट्यूशन है मसूरी के अंदर। यहाँ पे फंडामेंटल ट्रेनिंग के लिए, फाउंडेशन ट्रेनिंग के लिए जो भी सिविल सर्विस ज्वाइन करता है आफ्टर क्लियरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे हैव टू ट्रेन इन दिस इंस्टीट्यूशन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी। डॉक्टर MCR HRD इंस्टीट्यूट हैदराबाद, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद RCVP नोरना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल, NADT नागपुर। दिस पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग इज बीइंग फॉलोड सिंस 2008। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो एक फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। द फाउंडेशन फाउंडेशनल ट्रेनिंग नाउ इज एक्सटेंडेड टू द रिक्रूट ऑफ हायर टेक्निकल सर्विस लाइक। अब देखिए कहाँ कहाँ कौन सी सर्विस इसको ज्वाइन करते हैं। इंडियन रेलवे सर्विस भी ज्वाइन करता है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, रोड, ये सब भी इस फाउंडेशन ट्रेनिंग के पार्ट है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विथ प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एज इट इज कंसर्न विथ द जनरेशन ऑफ स्किल, प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर जॉब सेंट्रल इफिशियंसी। तो इन सब के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, प्रमोशन इन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर जॉब सेंट्रल इफिशियंसी, ये सब के लिए फाउंडेशन ट्रेनिंग का काम होता है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, स्टाफ कॉलेज एंड ऑल्सो इम्पार्टेड ऑन द जॉब और द वर्क प्लेस थ्रू लर्निंग बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मेन काम होता है एक फाउंडेशन ट्रेनिंग का। उनको क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है उनके वर्क के प्रति। दिस ट्रेनिंग इज ऑल्सो इसेंशियल ऑफ एन ऑन एंट्री टाइप, डिफरेंट फ्रॉम इन सर्विस रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू बी अपडेट द ओल्ड स्किल और टू इम्पार्ट न्यू स्किल रिलेवेंट टू द फंक्शन परफॉर्म। तो उनको जो पुरानी स्किल होती है उससे उसको नए स्किल से भरना, किसी भी रिफ्रेशर को या कोई भी इन सर्विस के अंदर जो रहता है, मतलब ऑलरेडी जो सर्विस के अंदर रहता है, इन सब को एक नई स्किल उसके अंदर अपडेट करना है। यही मेन फंक्शन होता है इस फंडामेंटल ट्रेनिंग का। फंडामेंटल ट्रेनिंग रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल टास्क फॉर अ न्यू इंडक्टिस एम्फेसाइज बिसाइड शोविंग इम्प्रूव वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड न्यू टेक्निकल नोन हाउ ऑफ वर्क द सोशियो कल्चर डायनामिक्स ऑफ द पर्टिकुलर सर्विस। तो आज के समय में जिस तरह से सर्विस चेंज होते जा रहा है उसके साथ उस ट्रेनिस को अप टू डेट रखने के लिए, या अगर कोई इन सर्विस भी रहेगा उसको भी अप टू डेट रखने के लिए हमें इस फंडामेंटल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अलग अलग हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। दिस फंडामेंटल ट्रेनिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनहांसमेंट ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशंस एंड कैपेबिलिटीज फॉर एज्यूमिंग एश्योरिंग सीनियर पोजिशन इन गवर्नमेंट। तो इस ट्रेनिंग, जो ये फंडामेंटल ट्रेनिंग है, ये क्या मेनली, इसका क्या मेनली रोल होता है, इसका रोल ये होता है कि हमें इन्हांस करना है जो भी
पॉलिसी फॉर्मुलेशन से एंड कैपेबिलिटीज फॉर एश्योरिंग सीनियर पोजिशंस इन गवर्नमेंट। तो इन रोल के लिए, इन काम के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन और सीनियर जो पोजिशंस होती है गवर्नमेंट के अंदर, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बरकरार रखने के लिए और उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें इस फंडामेंटल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन एंट्री ट्रेनिंग। अभी हम पढ़े फंडामेंटल ट्रेनिंग। फंडामेंटल ट्रेनिंग का क्या रोल होता है, अगर हम एक स्ट्रेट लैंग्वेज में बताएं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल रूल रेगुलेशन हो, नॉट ओनली दी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो ओवरऑल जो भी गवर्नमेंट चलता है उसको समझना, बिकॉज जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का पार्ट है। तो गवर्नमेंट का पार्ट है तो हमें सबसे पहले गवर्नमेंट को समझना है, तो इसीलिए ये फंडामेंटल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से प्लान लेके आता है, किस तरह से इंटर ऑर्गेनाइजेशन काम होता है, किस तरह से इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन काम होता है, ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कंप्लीट चीज़ें। अभी हम ये नहीं पढ़े इस फंडामेंटल ट्रेनिंग में कि जब कोई सर्विस ज्वाइन करता है तो उसको एक स्पेसिफिक सर्विस दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को रेलवे सर्विस दी गई, अभी यहाँ पे फंडामेंटल ट्रेनिंग में हम रेलवे के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का कैसे काम होता है, देश का कैसे, देश जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है अपने इंडिया का वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है, वही चीज़ें फंडामेंटल में आती है। जब हम स्पेसिफिक जाएंगे उसके जॉब के प्रति, अगर कोई रेलवे ज्वाइन करता है तो रेलवे किस तरह से चलता है और इन डिप्थ उसको रेलवे में जो भी मान लीजिए कोई अगर पर्सनल मिला है तो किस तरह से उसको उसको काम करना है, या कमर्शियल मिला या ट्रैफिक मिला तो किस तरह से वो इन डेप्थ उसका जो रोल होता है वो मिला है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मतलब उसको किस तरह से इन डेप्थ पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है, वो आता है ऑन ट्रेनिंग, ऑन एंट्री ट्रेनिंग में इन डेप्थ। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।